टेंस के बारे में जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं आता है, केवल वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबको याद होना चाहिए कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में सब्जेक्ट ना आया हो, उस वाक्य में वर्ब आया हो और ऑब्जेक्ट आया हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आज आपको हम दो रूल बता रहे हैं और इस रूल से आप सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे। पहला एक्टिव वॉइस है, वर्ब का पहला रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा, माने वाक्य की कोई भी वाक्य देखेंगे इसी तरीके से अधिकतर संरचना होती है, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। आप जब इससे पैसे वाइज में बनाएंगे तो हमेशा लेट सबसे पहले लिखेंगे, लेट से ही शुरुआत होगा। सबसे पहले आप लेट लिखिए, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब लोग याद रखो, लेट सबसे पहले, लेट लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो आप उसमें ही बना रहे थे, ऑब्जेक्ट पहले लेकर आते, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तब आप बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब का तीसरा। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस होगा तो पहले आप, अगर वाक्य में ऐसा दिखाई देता है कि डू नॉट दे दिया है, क्या दे दिया, डू नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट, आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लेट लिखिएगा, पहले लेट तब ऑब्जेक्ट, सेम वही होगा, कुछ है नहीं, इसमें नॉट आ गया है तो यहाँ पर नॉट लिख देंगे। हालांकि एक और रूल आपको बताएगा तो यू आर फॉरबिडन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके अनुसार ही इसको भी बदलो कि आप भूलेंगे नहीं इसको। तो पहले लेट लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब नॉट लिखेंगे, तब बी लिखेंगे, तब वर्ब का तीसरा रूप आप लिख देंगे। बोलिए, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से वाक्य को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक देखिए, कोई कहा कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अच्छा, आप इस वाक्य को देख रहे हैं, पहले स्टॉप आ गया है, स्टॉप का मतलब क्या होता है कि वर्ब आ गया है, स्टॉप का मतलब वर्ब आ गया है, स्टॉप का मतलब वर्ब आ गया, इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट भी आ गया है। अब आप इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर बनाओ लेट द बस बी स्टॉप्ड, ठीक है ना, स्टॉप्ड हो जाएगा, कहा जाएगा स्टॉप, कहा कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, उधर किताब दो तो बना लो सब लोग। ओपन क्या है, ओपन क्या है, वर्ब है, गुड मॉर्निंग, ओपन क्या है, वर्ब है, आधा डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप बनाते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, लेट, तब क्या लिखेंगे, बी डोर, तब क्या लिखेंगे, बी ओपन बाई, खाली ओपन दे लिख देना, बना लोगे सब लोग, बताओ पहले जी सर, क्या आप समझे, माने कोई भी वाक्य होगा आप पहले लेट से ही शुरू करेंगे, पहले लेट आप लिखेंगे सब लोग, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब आप बी लिखेंगे, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और इस तरीके से वाक्य हमारा बनेगा, अंतिम में वर्ब का तीसरा रूप लिख देते हैं। सब लोग याद करो, जब भी इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग इसी तरीके से इसको बनाते हैं, पहले लेट, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट, तब आप लिखेंगे बी, तब आपका बनेगा, ठीक है, ये बना लोगे सब लोग। गुड मॉर्निंग, आइए चलिए और कुछ देखते हैं हम लोग, तो बना लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, लेट, लेट, उसके बाद से क्या लिखेंगे, दी डोर, दी डोर, तब लिखेंगे बी ओपन,
बी ओपन। तीसरा राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, पीछे वाले बच्चे बनाओ। राइट ए लेटर कैसे बनेगा? हाँ, लेट ए लेटर बी रिटेन। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। पहले क्या लिखेंगे? ए लेटर, चलिए लेट लिख लीजिए, तब ए लेटर, तब क्या लिखेंगे? बी, ठीक है, तब आप लिखेंगे बी, राइट के कहा जाएगा रिटेन। चार नंबर देखेंगे, रीड द बुक, रीड द बुक, क्या बना सकते हैं सब लोग? कैसे बनेगा? लेट, पहले लेट लिखेंगे, लेट द बुक बी रीड, पहले लेट लिखेंगे, लेट द बुक बी। अच्छा, रीड का तीनों रूप रीड होता है, रीड 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 होता है आपका। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट द बुक बी रीड, और तब लिखेंगे बी रीड, बी रीड। अच्छा, मान लो कह दिया कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। दो तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक तो पहले लेट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? लेट, और तब अरे तो सबसे बढ़िया वही रहेगा, डू नॉट को हटा दो, लिख लो यू आर फॉरबिडन। सब लोग सुनो, यू आर फॉरबिडन, बाकी जैसे देख रहे हैं डिस्टर्ब मी वैसे ही आप लिखिए। समझ रहे हो बात को? यानी डू नॉट जब भी होगा आप उसके जगह पर यू आर फॉरबिडन की यूज करो, डू नॉट हटा दो। यू आर किसका प्रयोग करो? फॉरबिडन का, डू नॉट हटा दो, बाकी जो डिस्टर्ब मी है उसको वैसे ही लिखो। सब लोग याद करो, जब भी डू नॉट रहेगा हम इसके जगह पर यू आर फॉरबिडन का प्रयोग करेंगे, डू नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे। बना लेंगे सब लोग, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको सब लोग, कि जानकारी रहेगा कि इम्परेटिव।